हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हरीश ग्रोवर एंड आई एम पोस्चर एंड स्पाइन अलाइनमेंट स्पेशलिस्ट। हमारे साथ में अशोक जी हैं। आज अशोक जी को कमर का दर्द था और ये दर्द इनके टांग में रेडिएट होके नीचे तक जाता था, जो कि एक सियाटिका बोलते हैं हम लोग उस देसी लैंग्वेज में इसको। और आज के दिन हर दूसरे आदमी को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन की वजह से अब घर में बैठे रहते हैं, सोफे बैठते हैं, काम करते हैं। धीरे धीरे पेन करके लोगों के पेन बैक में डेवलप होता है, फिर ये नीचे रेडिएट करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम शुरू में अगर इसको संभाल लिया जाए तो बहुत ईजी तरीके से ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम अगर इसको समय रहते ठीक नहीं करा गया पहले 2-3-4 महीनों में अंदर फिर ये परमानेंट बन जाती है, तो रह के वापस आती हैं। तो ऐसा ही कुछ इनका भी था अशोक जी का। अशोक जी एक हायर पोस्ट में है फोर्सेज़ में। ये तो नहीं बताऊंगा कि किस फोर्सेज़ में, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी करके। लेकिन इनका काम क्या होता है, नए जो ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको फिट करना उनके काम के लिए, ठीक है। इनकी बड़ी ही हार्ड ट्रेनिंग रहती है। जितनी इनकी एज जो है 55, इतना दिखेगा नहीं, काफ़ी यंग हैं, काफ़ी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इनको सबको मोटिवेट करने का काम रहता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इनको दर्द हुआ और फिर वो नीचे रेडिएट करना स्टार्ट हो गया था। बाकी प्रॉब्लम इनसे सुनते हैं क्या क्या ऑब्स्टिकल रहे इनके, और फिर हम लोग इनका डेमो अलाइनमेंट भी करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम आज पूरा हील हो चुकी है, ठीक है जी। अशोक जी बताइए क्या इशू रहा आपका। मेरे को करीबन ये 2 महीने से पेमेंट प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं इसकी वजह से ना तो मैं बैठ पा रहा था अच्छी तरह से, ना ही खड़ा हो पा रहा था, ना ही ड्राइव कर पा रहा था, ना ही अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पा रहा था अच्छी तरह से। और फिर मैं एक्चुअली उस टाइम पे मैं बॉम्बे में था, और जैसे ही मैं इधर आया तो मैंने फाइंड आउट किया डॉक्टर साहब का, कैसे भी एक अपने दोस्त ने बताया, क्योंकि उन्होंने पहले इनसे ट्रीटमेंट ले रखी थी। फिर मैं ये 4-5 सिटिंग जैसे ही डॉक्टर साहब ने गाइड किया हमारे को विदाउट एनी मेडिसिन, मतलब फिजिकली इन्होंने ये प्रॉब्लम हील करने की कोशिश की, और आज मैं लगभग 99% ठीक हो चुका हूँ। तो मैं अपने और दोस्तों को भी इनका ये जो हील करने का तरीका या ट्रीटमेंट करने का तरीका रिकमेंड करूँगा। डेफिनेटली इसको थोड़ा सा इजी भाषा में हम लोग समझाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स होते हैं, व्यूअर्स क्या है अपने आप अपनी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले पेन जो आया था वो मतलब पूरी टांग में रेडिएट करता था। हाँ, सबसे पहले एक्चुअली मैंने लॉन्ग ड्राइव किया था एक बार बॉम्बे टू दिल्ली, तो बिकॉज पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो मैं ड्राइव करके आया था। तो मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई यहाँ पे, और मैंने इसको इग्नोर कर दिया था एक्चुअली, और ये उसके बाद एग्रावेट होगी, और ये यहाँ से लेग और हील ये रेडिएट कर गई थी नीचे हील तक, और उसकी वजह से मेरे को बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं लेट के खाना खाता था। मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी 2-4 सीटिंग में डॉक्टर साहब ने एकदम से फिट कर दिया मेरे को। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग आप ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसी के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों ने हज़ारों लोगों को ठीक करा है। इसी वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई इस चीज़ में आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ट्रेंड में है लोग अपने आप ही पेन किलर ले लेते हैं इस चीज़ में। तो आपको सलाह मैं दूंगा कि आप अपना दर्द बिल्कुल ना दबाएं, क्योंकि दर्द अगर आप अभी दबाएंगे तो ये एग्रीवेट होके कई गुना होके वापस आएगा, ठीक है जी। इनका लास्ट सेशन है अशोक जी का, एक डेमो हम लोग करके बताते हैं आपको हम लोग किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके से हील करते हैं डिस्क को, ठीक है। लेटिंग उल्टा जी, जनरली ज़्यादातर लोगों का जो पेन है सियाटिकल पेन वो बैक में नहीं आएगा, बैक में सिर्फ स्टिफनेस आएगी। जो पेन एक्चुअल जो स्टार्ट होगा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये दर्द करेगा, ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल पॉइंट होता है जहाँ से नर्व एडिमा स्टार्ट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा दर्द करेगा। इसके बाद अगर L4-L5 डिस्क बल्ज है तो आपका पेन यहाँ आएगा, अगर L5-S1 है तो पेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का पेन ये पॉइंट पे रहता है, तीसरा यहाँ बिडली के इस पॉइंट पे, और चौथा नमनेस आती है, ठीक है। ये इंडिकेशन है एक डिस्क बल्ज का, ठीक है। तो अगर आपको ये भी सिम्टम है ध्यान रखिए डिस्क बल्ज ही है 99%। 1% मामलों में कुछ ट्यूमर या ट्यूबरोक्लोसिस या कोई स्वेलिंग भी हो सकता है, जो कि रूल आउट कर देते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जैसे कि इनका पेन ये तो पूरा बिल्कुल जा चुका है, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये भी पूरा चला जा चुका है, ठीक है। लास्ट अलाइनमेंट है इनका, हम लोग इनका लेग लेंथ भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेग बिल्कुल बराबर है, लेग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं लेग्स, ठीक है। जनरली जो लोग जिस लेग में पेन होता है वो लेग शॉर्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उस पर पर्सन जो है जिसको पेन है वो वेट डालना बंद कर देगा, बॉडी कंपनसेट करेगी, और पेन जो आपका पेन है पेन की वजह से बॉडी रोटेट कर जाएगी। वो जनरली एनाटॉमिकली शॉर्ट नहीं होता, कंपनसेटरी शॉर्ट होता है। दूसरा ये PSI's लेवल होते हैं, बराबर होना चाहिए। iliac crest जो है ये बराबर होना चाहिए, दोनों इनका बराबर है। दैट मीन इनका अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अभी हम इनका कर रहे हैं L4-L5 का अलाइनमेंट। ठीक है, सब वीडियोस में हम लोग पोजीशन सिमिलर होती है, लेकिन पोजीशन चेंज कहाँ होती है? नी के एंगल से और रोटेशन के एंगल से। तो दिखने में हम सेम चीज़ करते हैं, बट वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक और छोड़ें, फिर से लीजिए, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें, एक बार और छोड़ें, आखिरी बार छोड़ें, फिर से सांस लें, छोड़ें, सांस लें, फिर से छोड़ें, फिर से सांस लें, छोड़ें। चलो सीधा लेटेंगे सर। एक बार और तीला छोड़िए, लेके लटका लीजिए जी। हाथ दोनों शोल्डर पे रख लीजिए। हाँ, एक सेकेंड ऐसे रख लीजिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ से पीछे आना है, इस रीजन से पीछे आइए, पीछे आइए और पीछे, मेरी तरफ पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे हो जाइए, यहाँ से पीछे ऐसे पीछे। हाँ रुक जाइए, एक सेकेंड पीछे होइए, फिर से पीछे होइए, एक बार और आखिरी बार, बस। सो डन हो गया आपका। अभी कुछ प्रॉब्लम बचती है? ऐसा कुछ हम डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, कोई डाइजेस्टिव पाँव में, बैक में मेरे को बता दीजिए। डेफिनेटली ये हम लोग जरूर बताएंगे आपको। तो पूरा एक्सरसाइज का एक सेट देंगे आपको, पूरा एक्सरसाइज का पता करने का बताएंगे। एक आपको लिंक भी भेजेंगे आपके नंबर पे, ताकि आप उसको करते आप देखते रहिए। ठीक है, आपको डूज एंड डोंट का पूरा एक परफॉर्मा बना के देंगे कि आगे तक क्या क्या ध्यान रखना है, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि एकदम से झटका वाला काम एकदम से कुछ दिन कुछ हफ्ते बचिए, और थोड़ा एक्सरसाइज कर करके थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट इन द सेंस ऑफ मसल को एक्सरसाइज करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी उस मसल को। और कुछ एक मल्टीविटामिन है वो आपको देंगे, और वो भी आप थोड़ा थोड़ा लेते रहिएगा। ठीक है, और इसमें दवा खाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसमें एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैंने दुनिया में जितनी मेडिसिन होती है वो सभी खा ली थी, मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, देसी नुस्खे जितने भी हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी पेन रिलीफ है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया कि ये मेरे को लगता है लॉन्ग लाइफ तक ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं होएगी। थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग सब लोग का ये हमारा मोटिव यही रहता है कि सब लोग को हम लोग बिना किसी दवा के या बिना किसी ऑपरेशन के या किसी ऐसी चीज़ के बिना हम लोग ठीक करें जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच for your support. You can subscribe our channel and you can spread these kind of video to the public, so that we can aware the people from this sciatica and back pain, and we can improve the people.